गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टडी क्लास में मैं विषय हिंदी कक्षा सात का पाठ आठ शाम एक निशान पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक शाम एक निशान एक कविता है और इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में शाम शाम के दृश्य को एक किसान के रूप में दर्शाया गया है। कविता इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश से जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। ये जो साफा शब्द दिया गया है, साफा माने होता है पगड़ी और चिलम माने उनका, पलाश माने लाल लाल फूल होते हैं, लाल रंग का फूल होता है उसे हम पलाश कहते हैं, और पूर्व को बोलते हैं पूरब, सिमटना को बोलते हैं इकट्ठा करना। तो कविता शुरू हो रही है। आकाश का साफा बांधकर कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़, इस आप कविता में देखेंगे जो पहाड़ बना हुआ है वो एक किसान की तरह लग रहा है। जब आप पहाड़ को देखेंगे तो जो पहाड़ बना हुआ है वो बिल्कुल किसान की तरह नजर आ रहा है, और जो आप